कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। नैना। अरे सलीम भाई आप आइए, ऊपर आइए ना। नहीं फिर कभी आऊंगा, तुम एक मिनट नीचे आओ, काम है। अच्छा भैया की चिट्ठी आई है? हाँ आज सुबह ही तुम्हारा नाम खाता है। अच्छा तुम आराम से पढ़ो, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। भाभी अब भैया को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने हरिद्वार के पास एक गांव में स्कूल खोलिया है, गांव का नाम है सोन पिपरिया। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बेटी, मैं जानती थी अमर जहाँ भी जाएगा अच्छा काम ही करेगा। चलो ना सुधा, सोन पिपरिया हो आती, लेकिन जमाई बाबू क्या कर रहे हैं वहाँ पे? माँ ना ही मुझे किसी गांव में जाने की इच्छा है और किसी को यहाँ पकड़ कर लाने की। ये क्या कह रही हो बेटी, वो तुम्हारा घर वाला है। जो दगा करता है वो घर वाला नहीं कह रहा था माँ, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं तो जरूर चिट्ठी लिखूंगी, तुम्हें कुछ लिखवाना है उसमें? नहीं। बेटा तुम्हारी चिट्ठी आई है। हाँ। बाबूजी खाना लाई हूँ। हाँ यही रख दो। बहुत मगन होकर पढ़ रहे हैं बाबूजी, बहू जी की चिट्ठी है क्या? नहीं वो कहाँ लिखती है, ये तो नैना ने लिखा है उनके बारे में। बहू जी तुमसे नाराज हैं क्या? अब तुम्हें क्या बताऊं? कि तुम तो उनसे नाराज नहीं। ना बताओ बाबूजी, जिद नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि विधाता ने औरत को ऐसा क्यों बनाया है कि मर्द जब पास हो तो उसे ठुकरा देती हैं और जब वो दूर चला जाए तो खून के आंसू पीकर रह जाती हैं। मुन्नी दुख तुम्हारे हो या मेरे, होते तो सबके एक से ही हैं, और मैं कहता हूं अपने दुख बांट लो, जी हल्का हो जाएगा। अच्छा तुम्हारे वो पति क्या नाम था उनका? हाँ ठाकुर विक्रम सिंह। मुकदमा जीतने के बाद तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई थी ना, तो तुम गई क्यों नहीं उनके साथ? मती मारी गई थी बाबूजी, बस अब और क्या कहूं, काशी छोड़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं कहां जाऊं, बार बार बच्चे का मुंह मुझे अपनी तरफ खींचने लगा, उसका हंसना रोना उसकी तोतली तोतली बातें उसकी एक एक बात याद आने लगी थी, लेकिन हमने अपने दिल की बात नहीं मानी बाबूजी, अपनी आत्मा को मारकर सब कुछ छोड़कर हरिद्वार आ पहुंची, कई महीने वहां रही, कई बार मन में आया कि मैं अपने पति के पास वापस चली जाऊं, लेकिन मैं जानती थी कि अब हमारे बीच वो बात ना होगी, वो प्रेम ना होगा, ना जाने क्यों मुझे अपना जीना व्यर्थ सा लगने लगा, और बस एक दिन मैं गंगा जी में कूद पड़ी, जब होश आया तो मैं चौधरी के घर में पड़ी थी, बाद में पता चला कि चौधरी के बेटे अतई ने मेरी जान बचाई थी। सुना है कि वो तुमसे बहुत प्रेम करने लगा था? हाँ बाबूजी, वो मुझे बहुत चाहता था, उसने मुझसे शादी करने को भी कहा, लेकिन मैं ये कभी भूल नहीं पाई कि मैं एक राजपूत ने ब्याहता हूं। फिर एक दिन मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, वो नदी पार ओझा को बुलाने गए, नदी चढ़ी हुई थी और वो डूब गया। नहीं बाबूजी, वो डूबे नहीं, उन्होंने आत्महत्या की थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो प्रायश्चित करेंगे। अच्छा
फिर मैंने भी प्रायश्चित किया उनकी बहू बनकर। तब से मैं उनके घर में हूं। और तुम्हारे पति की कोई खबर नहीं मिली? मिली थी। एक दिन मैं उन्हें ढूंढने हरिद्वार गई। वहीं उसी धर्मशाला में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मेरे वहां से चले आने के बाद एक पागल आदमी अपनी बीवी को ढूंढता फिरता था, और फिर कुछ ही दिनों बाद उसी के गम में उसकी मृत्यु हो गई। वो और कोई नहीं बाबूजी, मेरे पति थे। बस यही है मेरी राम कहानी। मेरे सरताज, आदाब। आप इतने दिनों मारे मारे फिरे और मैं यहां आराम से अपने घर में पड़ी हूं। आप घर से दूर बेगानों में आवाम की खिदमत में लगे हैं। मैं अभागन आपकी सेवा टहल भी नहीं कर पा रही हूं। बहू जी का तो लिख ही चुकी हूं। नैना बीबी ठीक हैं और उसकी शादी की बातचीत सुना है लाला धनीराम के बेटे मनीराम से होने वाली है। अम्मा बता रही थी कि लाला धनीराम ने ये शर्त रखी है कि अगर अमर शादी में शरीक हुआ तो बारात लौट जाएगी। और हाँ, आजकल आपके सलीम मियाँ मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। उनकी मामी सिलाई का कपड़ा लत्ता लेकर मेरे पास आती हैं। एक बार तो जिक्र भी छेड़ा कि अपने खिदमतकार से मेरा निकाह करने का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा इसका फैसला तो मेरे सरताज ही कर सकते हैं। ओ, मेरे नैना देवी, आप जी? ये ब्रह्मचारी आत्मानंद हैं। नमस्ते। मैंने इन्हें कहीं देखा है, शायद भैया ने मिलाया था। जी हाँ। ये सारे स्वयं सेवक आप ही के हैं जी? अनुशासन बनाए रखने की बात है कि यहाँ सभी ऊंची जात के लोग आते हैं तो उनका भी तो ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। आइए कथा सुनते हैं। अवश्य। भक्तजनों, बड़ा आश्चर्य बड़ा वात्सल्य इस रचना में है। श्री राम का जन्म हुआ है। श्री राम अपने माँ के पास पलंग पर लेटे हैं। आसपास कोई दासी सहचरी नहीं है। श्री राम अपने माँ के साथ एकांत में है। और जब माँ ने देखा तो श्री राम अस्त्र शस्त्र आयुध से सुसज्जित उनके पास है। माँ को बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने स्तुति की, हाथ जोड़े और देखा कि श्री राम अस्त्र शस्त्र आयुध से सुसज्जित है। माता कौशल्या संस्कारी थी। उन्होंने शिशु के पास देखा और उनको मालूम पड़ा कि ये कोई असाधारण आदमी है। अरे आगे मत मारो, ससुरे कहीं के का मंदिर है। अरे पंडित जी, इनका मार्ग बाहर निकाल लिया यहाँ से। क्यों भगा रहे हो सेठ जी? हम तो यहाँ आपके जूतों के पास बैठे हैं। इन ससुरों की हिम्मत तो देखिए, मंदिर की सीढ़ियों में आकर बैठ के निकालिए इनका मार्ग बाहर। अरे तुम लोग जाते हैं नहीं, चले सर। लोग यहाँ भगवान का भक्ति करने आते हैं या अपना धर्म नष्ट करने? भगाओ, चलो। क्या कर रहे हैं लोग यहाँ? क्या मार रहे हैं? अरे भाई, ये मांस मछली खाते हैं, नशा करते हैं। अरे भी खाते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? हाँ। आजकल सब लोग खाते हैं, क्या बनिया क्या कायस। ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अरे डॉक्टर साहब, आप काहे कपाव खा रहे हैं? भगवान की नजर में कौन छोटा है कौन बड़ा पंडित जी अच्छी तरह जानते हैं। हम तो वही करेंगे जैसी प्रथा देखते आए। लेकिन इस तरह से गरीब इंसान को मारना कौन से शास्त्र में लिखा है साहब? तो क्या पान फूल लेकर इनकी पूजा करें? जी हाँ, अब वो समय बहुत जल्दी आ रहा है जब भगवान दूध में नहीं पानी में स्नान करेंगे। चलो भाइयों। हाँ, चलो, चलो। डॉक्टर शांति कुमार को क्या जरूरत थी उन लोगों का पक्ष लेने की? भाभी, भगवान ने किसी को ऊंचा या किसी को नीचा तो नहीं बनाया। फिर किसने बनाया? आदमी ने। नैना, दुनिया में सदा छोटे बड़े रहे हैं और रहेंगे, लेकिन छोटों पर अत्याचार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा भाभी। क्या आप लोग ईश्वर के घर से गुलामी करने का बीड़ा उठाकर आए? आप लोग तन मन से दूसरों की सेवा करते हैं लेकिन फिर भी गुलाम है। क्या आप लोग जानते हैं कि आप समाज की बुनियाद हैं जिस पर यह समाज खड़ा हुआ है? क्यों मंदिरों में आप लोगों को जाने की इजाजत नहीं? क्यों
ऐसी अनीति इस देश के सिवाय और कहीं है? और कहीं नहीं। क्या आप लोग जीवन भर गुलाम और शोषित का जीवन बिताना चाहते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू साहब, हमारे वश में तो कुछ भी नहीं। बस उस समय तक कुछ भी नहीं है जब तक आप समझते हैं कुछ भी नहीं। और फिर ये मंदिर किसी एक व्यक्ति या एक समाज की चीज नहीं है, और अगर कोई आपको रोकता है तो ये उसकी जबरदस्ती। डरिए मत, आप लोग मेरे साथ आइए, चाहे इसके लिए हमें कड़ी से कड़ी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। ईश्वर किसी की संपत्ति नहीं है जिसे संदूक में बंद करके रखा जा सके। आज हम लोगों को तय करना है हमेशा हमेशा के लिए। आइए मेरे साथ। आप लोग ठाकुर जी के मंदिर में लड़ाई लड़ने आए? हम लड़ने नहीं, ठाकुर के दर्शन करने आए। तुम्हें बाप दादाओं ने भी कभी दर्शन किए हैं जब तुम करोगे? बाप दादाओं ने जो काम नहीं किया, क्या उनके औलादे भी वो काम नहीं करेंगी? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। दरोगा जी, भाई इनको मार कर। अपने आप को ईश्वर के नाम पर बलिदान कर दो। नैना देवी, आपने यहाँ आने की तकलीफ की? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये सब मेरे बाबूजी का किया कराया है। लेकिन आप यहाँ आई कैसे? बाहर तो कई जगह गोलियां चल रही हैं। बहुत ही छुपते छुपाते आई हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। नमस्ते। आत्मानंद जी, आप नैना देवी को घर छोड़ाइए। जी आइए नैना देवी। मैं चलूँ। संभल के जाइए। आप चिंता मत। बाहर तो गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ भाभी, मैं भी गलियों से छुपकी छुपाती आ रही हूँ। तुम बाबूजी से कहो ना कि वो पुलिस को गोलियां चलाने से मना कर दे। क्या बाबूजी ने पुलिस को गोलियां चलाने का हुक्म दिया? हाँ, ये सब इन्हीं के आदेश से हुआ है। अच्छा, तो इन्होंने अपने धर्म की रक्षा गोलियों से की? कितने बेकसूरों की जाने चली जाएंगी, मैं ये नहीं हूं। बाबूजी, क्यों गरीबों पर जुल्म करवा रहे हैं आप? देखो बाबू, तुमको मेरे कामकाज में दखल देने की कौन जरूरत है? बाबूजी मैं कहती हूँ ये गोलीबारी बंद करवा दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम तो अमर से भी दो हाथ आगे जा रही हो। ठीक है, जा रही हो तो चुपचाप ऊपर जाके बैठो। आप मेरे काम में दखल मत दीजिए बाबूजी। बाबू चिल्लाई नहीं, आपने मुझे वचन दिया था मैं जो भी करूंगी आप दखल नहीं देंगे। भाइयों भाइयों भागिए मत, ये भागने का समय नहीं है। जो भागते हैं उसकी कभी भी जीत नहीं है। रुक जाइए, आप अंदर जाइए, मुझे गोली चलानी पड़ेगी। आप पहले भी गोलियां चला चुके हैं और चलाइए, हम लोग गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। चलाइए गोली। रुक जाइए, बंद करवा दीजिए सब, कल से मंदिर खुल जाएगा, जिसका जी चाहे दर्शन कर सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं। जी बंद करवा दीजिए, ये सब बंद कर। सुगदा देवी की जय, सुगदा देवी की जय, सुगदा देवी की जय, सुगदा देवी की जय, सुगदा देवी की जय। कर्म भूमि है।